नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आपके दोस्त? भारत और नेपाल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आप मेरे पीछे जो ट्रेन देख रहे हैं, ये है भारत और नेपाल को जोड़ने वाली ट्रेन। जी हाँ, इस सेवा आज से शुरू कर दी जा रही है और ये आज 12:15 पर आज इस ट्रेन को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर सिंह इसको आज हरी झंडी दिखाएंगे वर्चुअली 12:15 पर। तो आज नेपालवासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अब भारत से नेपाल के लिए सीधी डायरेक्ट ट्रेन जोड़ दी जाएगी। जी हाँ, आज से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। पब्लिक के लिए इसको कल से सौंप दिया जाएगा। आज इसका इनॉग्रेशन है दोस्तों। इसमें टोटल 5 कोच दिए गए हैं, जिसमें से 4 नॉन एसी कोच हैं और एक इसमें एसी कोच है। बाकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, उसके इंटीरियर वगैरह दिखाता हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, भारत से नेपाल को 1937 में ट्रेन चलाई गई थी जो कि नैरो गेज ट्रैक था। जी हाँ, लेकिन 2001 में बाढ़ आई थी तो वो ट्रैक ढह गया, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। ट्रेन सेवा बहाल नहीं हो पाई थी, सेवा पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तो अभी इसमें मैं आपको बता दूँ, ये नया ट्रैक बनाया गया है ब्रॉड गेज, और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है नेपाल और इंडिया वालों के लिए। डायरेक्ट ट्रेन अब दी गई है आपके लिए। नेपाल के लिए भी लेटेस्ट मॉडर्न ट्रेन होने वाली है। इस ट्रेन में आप लोग कल से सफ़र कर सकेंगे डायरेक्ट नेपाल के लिए। दोस्तों इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र या इनमें से कोई भी फ़ोटो सहित आईडी होनी चाहिए, जिससे आप सफ़र कर सकेंगे इस ट्रेन में। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये आप कोच देख रहे हैं सामने, ये है सेकंड सीट का, जिसमें आप सफ़र करने वाले हैं, और ये ब्रांड न्यू कोच होने वाले हैं लेटेस्ट। दोस्तों जैसा कि आपने अगर दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस लाइन में सफ़र किया होगा, कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी शानदार इंटीरियर है और साफ़ सुथरा, क्योंकि ब्रांड न्यू है। इसमें आप सामने देख रहे हैं सारे के सारे ऑफिसर हैं और मीडिया वाले हैं। इसमें हमें एंट्री नहीं दी जा रही है आज जर्नी के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको जर्नी जल्दी लेकर आएंगे। आप चैनल पर बने रहना। बाकी आप इसका इंटीरियर देखिए, काफ़ी शानदार है। आपको ऊपर हैंडल दिए गए हैं और आपको ऊपर फैन मिल जाएंगे। खिड़कियां जो दी गई हैं काफी शानदार खिड़कियां हैं, जिनसे आप के बारे में कुछ बताइए। नेपाल वासियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। हाँ बिल्कुल है भाई, 37 से ट्रेन चलती थी जयनगर से नेपाल के बीच में। लेकिन हुआ क्या, 2001 में बाढ़ आ गया नेपाल में, उसके बाद से क्या हुआ कि ट्रैक वगैरह बह गया, रेलवे ब्रिज बह गया, और उसके बाद से सर्विस स्टार्ट नहीं हुआ था। उसके बाद से आज जो है फिर से ये ट्रेन सर्विस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशहाली का। नैरो गेज पे ट्रेन चलती थी, अब ब्रॉड गेज पे चल रही है, और सुनने में आ रहा है कि ये लेटेस्ट मॉडर्न ट्रेन होने वाली है नेपाल के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मॉडर्न ट्रेन है। ये जो बना हुआ है ना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से बन के आया है, और पूरा इसका जो है ना देखभाल कर रहा है कोंकण रेलवे। जी जी जी, इसके कर्मचारी जितने भी हैं सब कोंकण रेलवे के ही हैं। चलिए भैया ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये है जयनगर का रेलवे स्टेशन और नया नवेला अभी ये नेपाल के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ के लोगों का देखिए कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, ये देखिए सारे सारे सब लोगों में उत्साह है, ये देखिए बहुत ही उत्साह भरे से सब, देखिए सब सब। और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है इन सब के लिए, आज ट्रेन चालू हो जाएगी इनके लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रेन निकल चुकी है, डिपार्चर ले रही है नेपाल इंडिया ट्रेन। फिलहाल जयनगर से नेपाल के कुर्ता के लिए निकल चुकी है